फिट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शराब के साथ चखना। मेन एम इज कैमोफ्लेज करना। सिंपल सा रूल है, ध्यान रखना, लाइट कलर लात मारो, डार्क कलर गले लगाओ। तो सबसे लाइट कलर कौन सा होता है? व्हाइट। वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसे बिल्कुल अवॉइड करना है। व्हाई आर यू रनिंग? व्हाई आर यू रनिंग? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइल विद सिंह। यहाँ पे हम ऑफर करते हैं सारी मेंस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन, जैसे कि लाइफस्टाइल, फिटनेस, फैशन एंड ग्रूमिंग। सो आज की वीडियो इज अबाउट हाउ टू स्टाइल एंड टैकल इफ यू हैव मैन बूब्स और मूब्स। मेनी मेन गो थ्रू द प्रॉब्लम ऑफ मूब्स एंड इट इज नॉट अनकॉमन। ये सिर्फ हेल्दी या तो मोटे लोगों को नहीं होता। अगर आपकी बेल्ट पतली या तो एवरेज है, या आपको तब भी हो सकता है। एंड इट कैन बी ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज व्हिच वी कॉल गायनेकोस्मिथिया। इवन बॉडी बिल्डर्स को भी ये होता है ड्यू टू साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। ऑल्सो फॉर हेल्दी गाइज देर इज नो सच थिंग एज स्पॉट रिडक्शन, क्योंकि आपका ओवरऑल फैट जब तक कम नहीं होगा आपके मैन बूब्स भी नहीं जाएंगे। एंड इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, बट आई हैव सम टिप्स एंड हैक्स फॉर यू ताकि योर मूव्स आर सिग्निफिकेंटली लेस विजिबल। तो बिना किसी बकेटी के आओ शुरू करें। पहला है चेस्ट बाइंडर और कंप्रेशन शर्ट्स। जैसा नाम वैसे काम। ये टाइट फिट शर्ट्स आपके चेस्ट एरिया को दबा देते हैं ताकि मूव ज्यादा विजिबल ना हो। इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी एंड जो डार्क कलर में हो। एंड ये स्टार्ट हो जाते हैं 700 से 800 रुपए में। मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप शर्ट ज्यादा देर तक नहीं पहन सकते क्योंकि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो अब क्या करें? अब आते हैं स्टाइलिंग टिप्स पर, जिससे वी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। पहला है फिट। फिट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शराब के साथ चखना। मेन एम इज कैमोफ्लेज करना। ऑब्वियसली पुशअप ब्रा पहन के क्लीवेज तोड़ना दिखानी है। सो ज्यादा टाइट आपकी बॉडी को हग करेंगे एंड कर्व्स और ज्यादा दिखाएंगे, तो ध्यान उधर ही जाएगा। आपने बताया नहीं कहां के आप? ये बात नहीं करते। अगर कपड़े बहुत ज्यादा लूज होंगे तो बॉडी बहुत ज्यादा ह्यूज लगेगी एंड राउंड लगेगी। सो कपड़े ऐसे लो जो आपके चेस्ट एरिया से थोड़े से लूज हो। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप एक साइज बड़ा ले लो और उसे शोल्डर एंड वेस्ट से ऑल्टर करा लो। 40-50 रुपए ही फालतू लगेंगे बट फिट एकदम परफेक्ट आएगा। सेकंड, कलर। सिंपल सा रूल है, ध्यान रखना, लाइट कलर लात मारो, डार्क कलर गले लगाओ। ऐसा क्यों यू आस्क? क्योंकि लाइट कलर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होते हैं, तो आप जितने हो भी नहीं उससे ज्यादा आपको बड़ा दिखाएंगे। तो सबसे लाइट कलर कौन सा होता है? व्हाइट। वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसे बिल्कुल अवॉइड करना है। व्हाई आर यू रनिंग? व्हाई आर यू रनिंग? इंस्टेड डार्क कलर्स पहनो, लाइक नेवी ब्लू, ब्लैक एंड सो ऑन, क्योंकि लेस लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं एंड स्लिमिंग इफेक्ट देते हैं ताकि आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप ना लगे। अनदर थिंग, आपको हाई कंट्रास्ट अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऊपर नेवी ब्लू शर्ट पहनी है, नीचे खाकी पैंट्स पहनी है, तो वो बहुत ज्यादा कंट्रास्ट क्रिएट करेगा एंड वेस्ट लाइन को कट करेगा। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप मोनोक्रोम आउटफिट्स पहने, क्योंकि वो ऊपर भी डार्क होगी एंड नीचे भी डार्क होगी। इससे इलॉन्गेटेड इफेक्ट आएगा एंड कोई भी कटिंग नहीं होगी एंड स्लिमिंग इफेक्ट मिलेगा। तीसरा है फैब्रिक। जितना पतला फैब्रिक होगा उतना ज्यादा आपके ऊपर फॉल करेगा, यानी कि आपके कर्व्स ज्यादा शो होंगे। इससे बेटर यह है कि आप थिक फैब्रिक लो, क्योंकि वो ज्यादा अपनी पोजीशन पर रहेगा एंड मूव्स कंसील करेगा। थिक मे बी गो फॉर टाइट वीव्स एंड नॉट नेट, क्योंकि नेट आपकी बॉडी को हग करेगा और ज्यादा कर्व शो करेगा एंड मूव्स ज्यादा विजिबल होंगे। इसलिए लेयरिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड। आई नो विंटर्स में बहुत ज्यादा आसान होता है लेयरिंग करना, बट आप समर्स में भी कर सकते हो। कोई भी टी शर्ट अंडर पहन सकते हो हाई जीएसएम की एंड उसके ऊपर कोई भी लाइट वेट शर्ट पहन सकते हो। बेस्ट आउटकम तब मिलेगा अगर आप डार्क कलर की टी शर्ट अंदर पहन लो और उसके ऊपर कोई भी लाइट कलर की शर्ट, एज लेयरिंग प्लस डार्क कलर बेस्ट कंसील करेगा। नंबर फोर, शर्ट्स। शर्ट्स विल प्रोवाइड द बेस्ट सिलोएट एज दे एनहांस योर शोल्डर एंड गिव स्लिमिंग इफेक्ट टू योर वेस्ट। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हाई जीएसएम की शर्ट हो, कोई भी पतली शर्ट ना हो। नंबर फाइव, अवॉइड पैटर्न्स। सॉलिड्स बेस्ट है फॉर कंसीलिंग मूव्स, बट अगर आपको पैटर्न पसंद है तो गो फॉर सटल एंड मिनिमल पैटर्न्स, एज वो हाई कंट्रास्ट नहीं देंगे। हैवी पैटर्न्स ऑन द अदर हैंड डिस्टॉर्ट होते हैं ड्यू टू कर्व्स एंड रिवील करते हैं व्हाट इज अंडरनीथ। गो फॉर पिनस्ट्राइप और वर्टिकल पैटर्न्स, क्योंकि फर्स्ट वो बहुत ज्यादा सटल होते हैं एंड सेकंड वो इलॉन्गेटेड इफेक्ट, यानी कि लंबा इफेक्ट देते हैं, इल्यूजन देते हैं, तो आप और पतले लगते हो ना कि राउंड। नंबर सिक्स और आखिरी है पॉस्चर। मोस्ट पीपल विद मैन बूब्स सिट, वॉक एंड स्टैंड विद अ हंच, यानी कि ऐसे करके। अगर आपका पोस्चर सही होगा तो आपके मैन बूब्स कम दिखेंगे, आप कॉन्फिडेंट लगोगे एंड इट इज गुड फॉर योर हेल्थ आल्सो। एंड यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे दिए होंगे, बट स्टिल अगर आप कोई प्रॉब्लम या इशू फेस करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।